अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। लारन क्लब ग्रेटर ने गिद्दड़बाहा में शुरू की नेकी की दीवार। लारन क्लब ग्रेटर गिद्दड़बाहा के प्रोजेक्ट चेयरमैन लायन दर्शन मुंगा के प्रयासों सदका गरीबों जरूरतमंदों के लिए ठंडे मौसम को ध्यान में रखते हुए नेकी की दीवार नाम से नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। शहर की लक्ष्मण कॉलोनी के समीप बने वटारों के साथ लच्छा मंदास धर्मशाला में शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट अधीन जरूरतमंदों व गरीबों को नए पुराने कपड़े, कम्बल, उटौनी कपड़े आदि इस धर्मशाला में वितरित किए जा रहे हैं। लायन मुंगा। हाँ जी मुंगा जी, ये जी निकी की दीवार शुरू की है, ये की मतलब चीज है? शक्ति जिंदल जी, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है निकी की दीवार जिसको नाम दिया गया है, इट सेल्फ ही ये प्रस्ताव करता है कि इसका मतलब क्या है, निकी करना है। हमने समाज के उन लोगों को देखा है जो इस ठंडे मौसम में और इतने समक्ष नहीं है वो कि अपना वो तन बदन अच्छी तरह से ढक पाए, तो उनके लिए हमने ये करा है स्टार्ट नेकी की दीवार, जिसमें हम कपड़े इकट्ठे करते हैं, गर्म कपड़े, सूती कपड़े, बूट, जुराबें इत्यादि, जो जिसके पास अधिक है, जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, वो नया है या पुराना है, वो हम यहाँ इकट्ठे कर लेते हैं और जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको हम वो प्रदान करते हैं। इसके लिए हमने एक ये ऑफिस बनाया हुआ है, एक धर्मशाला का एक पूरा हॉल हमने लिया हुआ है, जिसमें जिसके पास ज़्यादा है वो यहाँ हमारे यहाँ छोड़ जाता है और जिसकी जिसको ज़रूरत है वो यहाँ से आके अपने हिसाब से ले जाता है। तो एक शुरुआत करी है हमने और हमारे को बहुत ही अच्छा इसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लोगों में बहुत उत्साह है और अब तो ये जो हमारा छोटा सा स्टार्टिंग थी, छोटा सा एक उद्यम था, अब वो एक पूरा एक उसने पूरा रूप धारण कर लिया है बड़ा। लोग इससे इतना जुड़ गए हैं इस मूवमेंट से कि अपने आप ही वो सब होने लगा है। हमें भी बहुत खुशी हुई, हमें हमारा उत्साह और बढ़ा है इस बात के लिए कि जिन लोगों के पास चाहे वो कबाड़ के रूप में बड़ा था, चाहे वो मैं तो कहता हूँ घर में रखना ही नहीं चाहिए ऐसा जो अपने को इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उनके लिए भी फायदा है और उससे भी ज़्यादा फायदा है मानवता के उन लोगों के लिए, उन गरीब लोगों के लिए, उन भाई बहनों के लिए जिनके तन बदन के लिए कपड़े नहीं होते या सर्दी से बचाव के लिए कपड़े नहीं होते, उनको ये कपड़े मिल रहे हैं। वो भी बहुत खुश है इस बात से कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। और सारे ही हमारे साथ ये बराड साहब खड़े हैं, हमारे क्लब के प्रधान हैं, सिद्धू साहब हैं, बाकी भी सारे मेंबर्स इससे जुड़े हुए हैं और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये आपके सहयोग से ये और बढ़िया चलेगा और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में और भी ऐसी इसमें शामिल करें चीज़ों को जिसकी किसी को ज़रूरत होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इसका हिस्सा बनिए, सभी लोग हमारे साथ जुड़िए और इस नेकी की दीवार को एक वास्तव में नेकी की दीवार हम बना सकें, यही हमारा प्रयास है। यही लायंस क्लब हमारा ग्रेटर जो है क्लब छोटा सा गिद्रवा में बहुत अच्छे काम कर रहा है, ये भी उसकी एक कड़ी है जिसको हमने शुरू करा है। हाँ जी प्रधान जी, अजय जी ये नेकी दीवार शुरू की है जी, ये कितों स्टार्ट की जी तुसी? ये आइडिया साढ़े मुंगा साहब यूएसए तो लेके आए थी जी, उधर भी ये काम चलता है जी, नेकी दीवार चलती है। असं गिद्दड़बाहा ग्रेटर वालों भी मुंगा साहब ने आके दिशा निर्देश दिए, इन्होंने दिशा निर्देश अनुसार असं गिद्दड़बाहा के नेकी दीवार शुरू की है, जो कि कपड़ा जिसे को वाधू पिया है या नवा है या पुराना है उन्होंने इकट्ठा करके लोड़वंद परिवारों को असं यह फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं ता कि लोगों को सर्दी में बचाया जा सके और हरेक का काम आ सके। धन्यवाद। गिद्दड़बाहा से शक्ति जिंदल की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।